हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 = क्या होगा? देखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि 5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 होगा, लेकिन 21 नहीं। लेकिन कोई ना कोई लॉजिक होगा। रीजनिंग का मतलब ही लॉजिकों से होता है। अगर आप लॉजिक को पकड़ लोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। 5 और 7 से 21 जिस प्रकार बना है, उसी प्रकार 9 और 4 से 31 बना है, और बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहां पे संख्या लगा के फाइंड करना पड़ेगा जो यहां पे फाइंड हुआ है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुझे दिया गया है 5 + 7 = 21। अगर मैं रियल में 5 + 7 करूंगा तो कितना होता है? 12 होता है, लेकिन मुझे 21 दिया गया है। 21 12 से कैसे बन सकता है? अगर आप इस 12 को पलट के लिखोगे 21 बन जाएगा। देखो, बन गया। अगर मैं आगे इसी तरीके से करता हूं और सही आंसर मेरा आ जाता है तो लॉजिक बिल्कुल सही है। मेरे पास संख्या है 9 + 4 = 31 दिया गया है। अगर मैं रियल में 9 और 4 को जोड़ूंगा तो 13 होता है। जिस तरीके से यहां पलट के लिखा था, यहां भी पलट के लिखो, 31 हो जाएगा। देखो, मेरा 31 ही दिया गया है। अब मुझे पता चल गया लॉजिक क्या है। उसी लॉजिक से यहां पे संख्या फाइंड कर लो। क्या संख्या है? 7 + 9 = क्या आएगा? नहीं पता। अगर हम 7 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। तो 16 को पलट के लिखोगे तो ये 61 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो संख्या आएगी वो 61 होगी। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिएगा, प्रश्न में जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। एक लड़की है, ठीक है, तो मैं यहां पे एक लड़की लिख लेता हूं। ठीक है, एक लड़की है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे चाचा, यानी कि इस लड़की के कौन चाचा, इस लड़की के कौन चाचा, ठीक है, चाचा के पिताजी, यानी कि इस लड़की के चाचा और चाचा के कौन पिताजी, पिताजी की पुत्री का बेटा है। पिताजी की एक पुत्री है, पिताजी की एक पुत्री है, उनका बेटा है ये। ये है सवाल। अगर समझ लिया ना सवाल की लैंग्वेज को, भाषा को समझ लिया, तो सवाल एक बार में ही सही आ जाएगा। अब देखिएगा, लड़की के ये चाचा हैं, चाचा के ये पिताजी हैं, तो इस लड़की के कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। और दादा की एक बेटी है, भाई दादाजी की एक बेटी है। अब समझिएगा, ये लड़की के चाचा हैं और लड़की के ये पिता हैं, इस पुत्री के भी तो ये पिता हैं, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। और लड़की के चाचा की बहन कौन लगेगी? लड़की की बुआ लगेगी। और बुआ का जो बेटा होगा कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बच्चे हैं जो ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ते भी नहीं है डर की वजह से कि भाई हमारी समझ में ये नहीं आता है। एक बार में आ जाएगा आपकी समझ में, एक बार में, बस मन लगा के थोड़ा पढ़ लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 4 विकल्प हैं आपके पास, कछुआ, बत्तख, व्हेल, कौवा। अब देखिए, यहां पे ना आपका दिमाग एक काम करेगा। देख, कछुआ भी पानी में रहने वाला है, बत्तख भी पानी में रह सकती है, व्हेल मछली भी पानी में रहती है, लेकिन ये कौवा पानी में नहीं रहता। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 90% बच्चे इस कौवा को सही कर देंगे, इस कौवे को, डी ऑप्शन को वो सही कर देंगे कि भाई ये तो पानी में रहने वाले जीव हैं, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता। दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा एक पक्षी है, कौवा हमारा एक पक्षी है, जबकि बतख भी पानी में रहती है, कछुआ भी पानी में रहता है, व्हेल मछली भी पानी में रहती है, ये पक्षी नहीं है, कौवा भी पक्षी है। लेकिन एग्जामिनर ने ना यहां पे जो लॉजिक रखा है वो अलग ही है,
कौआ इसका आंसर नहीं है अगर आप सोचते हो तो। अब इसका जो आंसर है वो है व्हेल मछली, वो है व्हेल मछली इसका जो आंसर है। क्यों है व्हेल मछली आंसर, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जो व्हेल मछली है, व्हेल एक स्तनपाई, याद रखना व्हेल एक स्तनपाई जीव है, व्हेल मछली एक स्तनपाई जीव है। तो यहां पे बाकी के स्तनपाई जीव नहीं है, व्हेल मछली स्तनपाई जीव है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पे जो सही जवाब है वो आपका व्हेल मछली है। अगर मैं यहां पे चार विकल्पों में से विषम को चुनता तो मैं व्हेल मछली को ही चुनता। क्यों चुनता, क्योंकि कछुआ बत्तख और कौवे में ये छोटे छोटे जीव हैं, जबकि व्हेल मछली का कोई आकार नहीं है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं विषम इस तरीके से भी चुन सकता हूं, कछुआ बत्तख कौवे में कौन सबसे ज्यादा खाना खा सकता है, तो व्हेल मछली। कौन वजन में सबसे ज्यादा भारी होता है, व्हेल मछली। ठीक है, इस तरीके से भी आप चुनिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। अब यहां पे एक सीरीज दी गई है आपके पास, 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। इस सीरीज में कोई एक संख्या गलत है, वही बतानी है कौन सी गलत है। ठीक है, चलिए ये मेरा क्या है 8, 8 से हम पहुंच गए 14 पे और 14 से पहुंच गए 26 पे। अगर मैं जोड़ के पहुंचूंगा तो 8 में मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, 14 पे पहुंच जाऊंगा। फिर यहां पे देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, 26 पे पहुंच जाऊंगा। यहां 6 जोड़ा, यहां 12 जोड़ा, यहां कितना जोड़ूंगा भाई, यहां 6 और 8 14, 6 और 8 14, 10 24 जोड़ना पड़ेगा। यहां पे मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 24। यहां 6 जोड़ूंगा, यहां 12 जोड़ूंगा, यहां 24 जोड़ूंगा। ठीक है, यहां 24 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां 24 जोड़ेंगे, 24 नहीं, कुछ गलती है, 26 से 48 पहुंचने पे 4 और 8 12, 22 जोड़ेंगे, 24 नहीं 22 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 6 जोड़ा, यहां 12 जोड़ा, यहां 22, तो इस तरीके से आंसर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 8 से 14 हुआ, पहले यहीं पे ध्यान दो। अगर मैं 8 का गुना 2 से करता हूं, इस 8 का गुना 2 से करूंगा 16, और 16 में से क्या करूंगा, -2 करूंगा, तो 14 मिलेगा। ऐसे ही इस 14 का गुना भी 2 से करूंगा तो 28, 28 में से -2 करूंगा तो 26। बिल्कुल आगे इसी तरीके से बढ़िए, अगर मैं 26 का गुना 2 से करूंगा 52, 52 में से -2 करूंगा 50, तो यहां पे मेरा 50 आना चाहिए, 48 दिया गया है। अगर मेरा यहां पे 50 होता तो आगे चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 100, और -2 करेंगे तो आपका 98 हो जाएगा। तो यहां पे 50 रखने से ही तो सीरीज हमारी सही हो रही है, यहां पे 50 आना चाहिए, तो हमें गलत संख्या पता लग गई, हमारी 48 गलत संख्या है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। देखिए एक व्यक्ति है सुनील, ठीक है, एक व्यक्ति है सुनील, सुनील है, एक व्यक्ति है सुनील, उसका एक पुत्र है करण, सुनील का एक पुत्र है करण, ठीक है, सुनील का एक पुत्र है करण, कौन है पुत्र, याद रखना पुत्र है तो प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और बहन संगीता है, इस सुनील की एक बहन है संगीता, ठीक है, एक बहन है इसकी संगीता, कौन है इसकी बहन, चलिए, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ये जो संगीता है ना, ये जगदीश और विजय की माता है, यानी कि संगीता के दो पुत्र हैं, संगीता के दो पुत्र हैं, एक है जगदीश, ठीक है, दूसरा है विजय, ठीक है, क्लियर होगी बात भाई, संगीता के दो पुत्र हैं, ये संगीता कौन है, जगदीश और विजय की माता है ना, तो जगदीश और विजय की माता, इसका मतलब इसके दोनों ये पुत्र हैं, और जगदीश विजय की ये कौन है, मां, ठीक है, प्लस से लेते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है, तो माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, हरनीश जगदीश के मामा है, मामा कौन होता है भाई, मामा कौन होता है, जो मां का भाई होता है, तो जगदीश के मामा है हरनीश, इसका मतलब संगीता के भाई होंगे हरनीश, ठीक है, संगीता के भाई हरनीश, कौन है संगीता के, ये भाई है हरनीश, और जगदीश के ये कौन है, मामा है, तो जगदीश के ये कौन है भाई, मामा, इधर लिख देता हूं मामा, जो दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, ये हरनीश इस करण से किस प्रकार संबंधित है, देखिएगा करण के ये कौन है, पिता है, ये पिता की बहन है, पिता की बहन है, और संगीता के ये कौन है, भाई है,
तो देखो सुनील, संगीता और हरनिश ये तीनों आपस में भाई बहन ही तो हैं। इनकी ये बहन है और संगीता संगीता के ये भाई हैं। जब संगीता के भाई हैं तो सुनील के भी तो भाई होंगे क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। अब करण के पिता और पिता के भाई कौन लगेंगे? करण के चाचा ही तो लगेंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।